हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीटी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसका एक टॉपिक उठाया हूँ। टॉपिक का नाम है नल वंश या फिर कह लीजिए नल डायनेस्टी। इसमें हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से ये जो टॉपिक है आपका कम्प्लीट हो जाएगा। ये सारे एग्जाम के लिए सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम तो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि नल वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज था। दूसरा, नल वंश कवर्धा के फणी नाग वंश के समकालीन था। तीसरा, हरिशयन के प्रयाग प्रशस्ति में नलवंशीय शासक व्याघ्रराज का वर्णन मिलता है। इसमें से कौन कौन सा कथन जो है आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से हमारा विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो कथन है यहाँ पे कि जो इसका वास्तविक संस्थापक है वो वराहराज था, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि जो नलवंश है इसका संस्थापक कौन था, ठीक है, नल वंश का संस्थापक, या फिर पूछ लेगा अगर आपसे कि नल वंश का आदि पुरुष मतलब सबसे पुराना जो संस्थापक कौन रहा होगा, तो वो था शिशुक, ठीक है। शिशुक ने नल वंश का स्थापना किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वराहराज था, इसीलिए कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि नल वंश कवर्धा के फणी नाग वंश का समकालीन था, तो नहीं, ये वाला कथन गलत है। ये जो नल वंश है ये फणी नाग वंश के समय के ये नहीं थे। एक्चुअली ये जो आपको मिलेंगे वकाटक और गुप्त वंश के समकालीन मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वकाटक और साथ ही साथ गुप्त वंश जो था उसके समकालीन ये थे, ठीक है। कुछ ऐसे भी शासक इसके हुए जो आगे चलकर जो पांडु वंश था, ठीक है, पांडु वंश उसके भी ये मतलब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो पांडु वंश था उसके समकालीन भी ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हैं वकाटक वंश, गुप्त वंश और जो पांडु या सोम वंश है उसके समकालीन ये नल वंश ये थे, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, हरिशयन के प्रयाग प्रशस्ति में नल वंशीय शासक व्याघ्रराज का वर्णन मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है, कुछ और देख लीजिए कि इसका हम संस्थापक तो देख ही लिए। ये जो नल वंश का जो शासन था इसका शासन का क्षेत्र कौन था, तो दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंदर, वो दंडकारण्य क्षेत्र में इनका शासन देखने को मिलता है। जिनकी राजधानी आपको कहाँ मिलेगा, राजधानी आपको पुष्करी या फिर कोरापुट, ठीक है, जो उड़ीसा में आपको पड़ेगा, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ये नल वंश की राजधानी थी, पुष्करी या फिर कोरापुट। अगर आपसे पूछ दे कि नल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नल वंश का अंतिम शासक था नरेंद्र थबल, ठीक है, अंतिम शासक नरेंद्र थबल। तो हमने इसका संस्थापक भी देखा, अंतिम शासक भी देखा, बाकी भी छोटी सी जानकारी इसमें हमने लिया। तो इस प्रश्न का आप सही आंसर क्या होगा, एक और तीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है कि कोंडा गांव के अड़ेंगा से, ये क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नल वंश होगा, ठीक है। कोंडा गांव के अड़ेंगा से नल वंश के किस शासक के स्वर्ण सिक्के प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक या फिर व्याघ्रराज, किसका जो है स्वर्ण सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, ये जो कोंडा गांव में एक क्षेत्र है अड़ेंगा क्षेत्र, वहां पे नल वंशीय शासकों का स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तीन ऐसे शासक हुए नल वंश के जिसका स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, वराहराज का है, भवदत्त वर्मन के सिक्के भी हैं, अर्थपति भट्टारक के सिक्के भी हैं, लेकिन व्याघ्रराज जो है इसके स्वर्ण सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब मैं बता दूं कि यहाँ से टोटल कुल 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कितने, 32 स्वर्ण मुद्रा या फिर स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अगर देखेंगे तो जो वराहराज है इसके अकेले के 29 स्वर्ण सिक्के हैं, जो भवदत्त वर्मन है इसके एक सिक्के हैं, और अर्थपति भट्टारक के 2 स्वर्ण सिक्के हो गए। तो इस प्रकार टोटल 32 स्वर्ण सिक्के जो हैं कोंडा गांव के अड़ेंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि ये जो नल वंश के जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं उसका अध्ययन किसने किया है, ठीक है, तो नल वंश से प्राप्त जो सिक्के हैं
उनका जो अध्ययन किया है डॉक्टर वासुदेव मिराशी, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने नलवंशीय स्वर्ण सिक्कों का अध्ययन किया। ये देखिए जो यहाँ पे स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं उसका मुख्य भाग जो है उसके ऊपर चित्र देखने को मिलता है, चित्र और उस वंश का थोड़ा बहुत उल्लेख भी देखने को मिलता है, और इसका जो पीछे का भाग है, पृष्ठ भाग जो पीछे वाला भाग है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो रिक्त है, खाली है, ठीक है, याद रखिएगा, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और व्यागराज के बारे में तो ये पता है, व्यागराज के बारे में क्या चीज़ याद रखिएगा कि जो हरिसेन का, ठीक है, हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, उसमें इसका वर्णन मिलता है व्यागराज को, क्या वर्णन मिलता है, मैं आगे इसका डिटेल और भी आपको बताऊंगा, ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर टू भी समझ में आया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नल वंशीय शासक स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नलवंशीय शासक स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ, कुलिया बालोद, अमरावती महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर कोरापुट ओडिशा, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कुलिया जो कि बालोद जिले में पड़ेगा, यहाँ से नलवंशीय शासक स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, यहाँ से कुलिया से जो स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं इसका जो अध्ययन किया है लक्ष्मी शंकर निगम ने किया है, ठीक है, लक्ष्मी शंकर निगम, इन्होंने ही इसका अध्ययन किया है। और जो यहाँ कुलिया से प्राप्त जो स्वर्ण सिक्के हैं इससे ये ज्ञात होता है कि जो स्तंभ राज था, ठीक है, जो नलवंशी शासक स्तंभ राज थे उनके समय में वेंगी के जो चालुक्य वंश था, ठीक है, वेंगी के जो चालुक्य शासक था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन, क्या नाम था, कीर्तिवर्मन, तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये कुलिया बालोद में याद रखिएगा, जो अमरावती महाराष्ट्र जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां से रिद्धिपुर ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसका है, तो याद रखिएगा आपकी ये भवदत्त वर्मन का है, ठीक है, नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन का है। ये जो ओडिशा है, ओडिशा में ओडिशा का एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, ठीक है, ओडिशा के अंतर्गत ही एक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है प्राप्त हुआ, ठीक है, ये किसका है, तो नलवंशीय शासक अर्थपति भट्टारक का है, ठीक है, याद रखिएगा अर्थपति भट्टारक। और जो कोरापुट ओडिशा है यहां से भी एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, कोरापुट ओडिशा से भी एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है भीमसेन के, ठीक है, भीमसेन का ताम्रपत्र, इसको गुंजाम ताम्रपत्र कहते हैं, ठीक है, गुंजाम ताम्रपत्र। तो ये जो भी मैं ताम्रपत्र यहां पे बताया हूं आपको इन सबको भी याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रख सकते हैं कि ओडिशा में ही एक स्थान है, ठीक है, ओडिशा के अंतर्गत ही एक जयपुर ताम्रपत्र भी मिला है, ठीक है, जयपुर ताम्रपत्र, जहां से मतलब जयपुर से क्या मिला, देखिए बता रहा हूं कि ओडिशा का एक जयपुर स्थान है वहां से स्कंद वर्मन का पोड़ागढ़ अभिलेख मिला है, ठीक है, ताम्रपत्र नहीं, पोड़ागढ़ अभिलेख, ठीक है, किसका मिला है, स्कंद वर्मन का, स्कंद वर्मन। ये सारा जानकारी आपको याद रखना और जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको आप अपने वर्ड्स में नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त, व्याघ्रराज, पुलकेशिन द्वितीय या फिर नंदीवर्धन, किसने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। अब यहां पे समझिएगा, पीछे मैंने बताया था एक नाम लिया था हरिसेन, ठीक है, हरिसेन में को समझने के लिए गुप्त वंश में जाएंगे तो गुप्त वंश का एक शासक हुआ समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है अपना दक्षिणापथ विजय के लिए निकलते हैं, ठीक है, दक्षिणापथ विजय के दौरान जब छत्तीसगढ़ के नल वंश के अंतर्गत जब आते हैं तो उस समय जो नल वंश का शासक होता है व्याघ्रराज, ठीक है, उस वंश उस वक्त जो शासक होता है कौन होता है, व्याघ्रराज होता है।
तो व्यागराज को अपना दक्षिणापथ विजय के दौरान गुप्त वंशी शासक समुद्रगुप्त जो है पराजित करते हैं और समुद्रगुप्त खुद को एक उपाधि देते हैं। क्या उपाधि देते हैं? व्याघ्रहंता की उपाधि देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो व्याघ्रराज था उस समय नलवंशी शासक, उसको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, इसीलिए उन्होंने ये उपाधि धारण की। और जो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हरिसेन का जो समुद्रगुप्त के विजय के लिए लिखा गया जो प्रशस्ति है, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, इसी में इसका वर्णन मिलता है। किसने लिखा है? हरिसेन ने। किसके लिए लिखा है? तो समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय और नंदीवर्धन जो है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय का तो हमको पता है एहोल अभिलेख है, ठीक है, एहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। इस पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, इसमें भी नल वंश की जानकारी मिलती है। और इस नंदीवर्धन का जो कि एक पल्लव वंश का शासक है, ठीक है, नंदीवर्धन किसका? पल्लव वंश का शासक है, तो इससे संबंधित एक ताम्रपत्र है, ठीक है, ने पल्लव वंश के जो नंदीवर्धन का जो एक ताम्रपत्र है उसके अंतर्गत भी या फिर उसमें भी नल वंश का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख और नंदीवर्धन का जो ताम्रपत्र है उससे, इन तीनों से भी नल वंश की जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने जो ताम्रपत्र का वर्णन किया है उन सभी से भी नल वंश की जानकारियां मिलती है, आगे और भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि वकाटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन ने नल वंश के किस शासक को पराजित किया था, ठीक है, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन या फिर अर्थपति भट्टारक, किसको पराजित किया था? चलिए अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वराहराज के बारे में हमने पहले भी देखा था कि जो कोंडा गांव का जो अड़ेंगा है, ठीक है, वहां से 29 सिक्के प्राप्त हुए थे, ठीक है, तो इस चीज को तो हम पहले भी देख लिए थे। देखिए अब जो वकाटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन जो है, किस वंश का? वकाटक वंश का, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार से पूछ देता है कि कौन से किस वंश का है, तो वराह राज को ही इस वकाटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन ने वराह राज को ही पराजित किया था, ठीक है, याद करिए रखिएगा। और पराजित करने के बाद उसके आसपास का कुछ जो क्षेत्र था उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया था नरेंद्र सेन ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो वराह राज के जो ये 29 सिक्के स्वर्ण सिक्के मिले, इस स्वर्ण सिक्कों में नंदी का अंकन होता है, नंदी जो गाय होती है ना, नंदी जो बैल होता है उसका अंकन देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वराह राज है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। चूंकि यहां पे वराह राज के समय जो नल वंश था वो अच्छे से विकसित हो रहा था, तो ये नरेंद्र सेन जो है उससे प्रभावित होकर उसके कुछ आसपास का जो क्षेत्र था उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता है वराह राज को पराजित करके। तो आपको याद क्या रखना है कि वकाटक वंश का शासक नरेंद्र सेन जो था वो नल वंश के शासक वराह राज को पराजित करके उसके कुछ क्षेत्रों को अपने में मिला लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि किस नलवंशीय शासक ने वकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित किया था? अभी हमने क्या देखा कि जो नरेंद्र सेन था उसने किसको पराजित किया था? वराह राज को पराजित किया था, ठीक है, ये इसको पराजित किया था। अब उल्टा हो जा रहा है कि अब अगला कौन नलवंशीय शासक आएगा जो नरेंद्र सेन को पराजित करेगा? वराह राज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक या फिर स्कंद वर्मन? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वराह राज तो ऑलरेडी नरेंद्र सेन से हारा था, ठीक है, ये हारा था। अब नरेंद्र सेन को हराने वाला कौन आएगा? तो आ जाएगा भवदत्त वर्मन, ठीक है, याद रखिएगा, भवदत्त वर्मन जो था वो नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है, यहां पे ऐसे टिक करके मैं लिख देता हूं नरेंद्र सेन को। तो इसको थोड़ा आप क्लियर करके दो चार पॉइंट में जो बताऊंगा लिखिएगा, नरेंद्र सेन को यह पराजित किया था। किसने? भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था। इसके बाद जो ये भवदत्त वर्मन है इसने कुछ उपाधियां धारण किया था, वो भी लिख लीजिएगा, पूछ देता है कई बार से, महाराजा का उपाधि धारण किया था, भट्टारक की उपाधि धारण किया था, ठीक है।
हमने पीछे भी देखा था कि भवदत्त वर्मन का ही जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र है कहाँ, तो ये अमरावती महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में मिलेगा। फिर हमने ये भी देखा था कि भवदत्त वर्मन का कोंडा गांव का जो अड़ंगा है, ठीक है, वहाँ से एक सिक्का, स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ था, अड़ेंगा से एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ था, हमने ये भी देखा था, ठीक है। और जो सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ था स्वर्ण सिक्का, उसके ऊपर श्री भवदत्त राजस्य लिखा था, श्री भवदत्त राजस्य। इसी तरह जो वराहराज का स्वर्ण सिक्का मिला था, वहां पर उसके सिक्के के ऊपर वराह राजस्य लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको, जानकारी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि नरेंद्र सेन जो था वराह राज को पराजित किया था, और भवदत्त वर्मन जो था वो नरेंद्र सेन को पराजित किया था, एक दूसरे को उल्टा करके, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे तो याद रखिएगा कि जो अर्थपति भट्टारक और जो स्कंद वर्मन है, ये दोनों जो हैं, ठीक है, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, ये दोनों के दोनों जो हैं भवदत्त वर्मन के पुत्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा, किसके, भवदत्त वर्मन के पुत्र हैं। ये अर्थपति भट्टारक जो है ये सबसे बड़ा पुत्र है, ठीक है, और स्कंद वर्मन जो है छोटा पुत्र है, लेकिन ये दोनों के दोनों भवदत्त वर्मन के ही पुत्र हैं। ठीक है, एक चीज और भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो भवदत्त वर्मन का जो पुत्र हुआ कौन, अर्थपति भट्टारक हुआ, बड़ा पुत्र। अब वापस से जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र सेन जो है ना, नरेंद्र सेन का ही एक पुत्र होगा जिसका नाम था पृथ्वी सेन द्वितीय। अब पृथ्वी सेन द्वितीय क्या करता है, वापस से अर्थपति भट्टारक को हरा देता है, और इसके जो अर्थपति भट्टारक का जो राजधानी क्षेत्र पुष्करी होता है उसको तहस नहस कर देता है। तो आगे हम इसको और भी एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पे बस इतना चीज को याद रखिएगा। चलिए सातवां प्रश्न आप देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन है कि पड़िया पाथर ताम्रपत्र किस नलवंशीय शासक से संबंधित है, पृथ्वी व्याघ्र, विलासतुंग, भीमसेन द्वितीय, सॉरी भीमसेन देव, या फिर नरेंद्र थवर, किसका है बताना है आपको। पड़िया पाथर, पड़िया पाथर जो ताम्रपत्र है किसका है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमसेन देव जो है एक नलवंशीय शासक है, इसी का पड़िया पाथर ताम्रपत्र है, ठीक है। यह पड़िया पत्थर ताम्रपत्र जो है आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, ठीक है, ओडिशा के अंदर होगा पड़िया पाथर। और जो भीमसेन है इसका तो एक पड़िया पाथर हो गया, चलो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, पड़िया पाथर कहाँ मिलेगा ये आपको, ओडिशा में। एक और ताम्रपत्र आप याद रखिए, गुंजाम ताम्रपत्र मैंने पीछे बताया था, ठीक है, गुंजाम ताम्रपत्र, ये कोरापुट ओडिशा में मिलेगा आपको, ठीक है, कोरापुट ओडिशा, ये भी भीमसेन देव का ही है, ठीक है। ये जो भीमसेन देव है इसने एक भीमपुर नामक नगर भी बसाया था, ठीक है, भीमपुर नामक नगर इन्होंने ही बसाया था, याद रखिएगा। ये जो नरेंद्र थबल है ये नल वंश का अंतिम शासक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नल वंश का अंतिम शासक कौन है, नरेंद्र थबल था, ठीक है। चलिए अब हम आठवां प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि विजयी था, विजयी है और विजय रहेगा, ये जो वक्तव्य है किस शिलालेख या ताम्रपत्र से लिया गया है, आपको ये पूछा है क्वेश्चन में, पोड़ागढ़ शिलालेख, राजिम शिलालेख, गुंजाम ताम्रपत्र, या फिर कुलिया अभिलेख, कहाँ पर ये देखने को आपको मिलता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली जो ये विजय था, विजय है, विजय रहेगा, ये एक नलवंशीय शासक स्कंद वर्मन का, ठीक है, नलवंशीय शासक स्कंद वर्मन का जो पोड़ागढ़ अभिलेख है उसमें यह वर्णन देखने को मिलेगा, ठीक है। नलवंश का जो, देखिए ये जो पोड़ागढ़ शिलालेख है ना, ये नलवंश का पोड़ागढ़ जो शिलालेख है, नलवंश का प्रथम, ठीक है, नलवंश का प्रथम शिलालेख है, इस चीज को आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। नलवंश का प्रथम शिलालेख कौन सा है, तो पोड़ागढ़ शिलालेख है, ठीक है। तो किसका है, कौन से शासक का है, तो स्कंद वर्मन का है, नलवंशीय शासक स्कंद वर्मन का ये शिलालेख है, और इसी शिलालेख के ऊपर लिखा गया है कि विजयी था, विजयी है और विजय रहेगा, ठीक है। इस शिलालेख के अनुसार, ठीक है, ये पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार छत्तीसगढ़ में नलवंश का
जो सबसे बड़ा साम्राज्य स्कंद वर्मन के समय नल वंश ही था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये जो पोड़ागढ़ शिलालेख आपको मिलेगा ये जयपुर उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है, कहाँ, जयपुर उड़ीसा में, ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है कि कहाँ से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आठवां प्रश्न। अब हम नौवां प्रश्न देखते हैं, चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, वकाटक नरेश देवसेन को किस नलवंशीय शासक ने पराजित किया था। देखिए यहाँ पे चार प्रमुख जो आक्रमण है या फिर युद्ध है आपको याद रखना है, ठीक है, चार प्रमुख युद्ध किसके किसके साथ, तो इसमें ये चारों के चारों जो है जो युद्ध है और आक्रमण जो हुआ नल वंश और वकाटक वंशकों के बीच में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा ये चारों आपको याद रखना है कि कौन से किसके ऊपर आक्रमण करके किसको पराजित किया था। तो ये चारों यहाँ पे, इसलिए मैंने चारों नाम को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वकाटक नरेश देवसेन को किस नलवंशीय शासक ने पराजित किया था, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कंद वर्मन। ठीक है, नलवंशीय शासक स्कंद वर्मन, यहाँ पे सामने सामने लिख देता हूँ, स्कंद वर्मन ने किसको पराजित किया था, तो वकाटक नरेश जो है देवसेन, ठीक है, वकाटक नरेश देवसेन को, तो ने और को मैं लिखूंगा तो आप समझ में आ जाएगा कि किसने किसको किया था, स्कंद वर्मन ने देवसेन को पराजित किया था। ये जो अर्थपति भट्टारक है, ठीक है, इस अर्थपति भट्टारक को पराजित किया था किसने, तो वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय ने, ठीक है, पृथ्वी सेन द्वितीय ने पराजित किया था किसको, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को। इसी तरह जो भवदत्त वर्मन जो है इसने, ठीक है, भवदत्त वर्मन नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने वकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है, नरेंद्र सेन को पराजित किया था। और ये वाला तो आपको पता ही है कि वराह राज को पराजित किया था किसने, तो ये नरेंद्र सेन ने पराजित किया था, यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई, नरेंद्र सेन ने पराजित किया था किसको, वराह राज को। तो ये चारों आपको याद रहना चाहिए, कई बार से कंफ्यूजन कर सकता है आपको, ठीक है। चलिए अब हम दसवां प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न है कि वेंगी के चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन ने किन नलवंशीय शासकों पर आक्रमण किया था, विरूपाक्ष, स्तंभराज, पृथ्वीराज या फिर नंदीराज, या इनमें से कौन कौन सा जो है किन्हीं दो को पराजित किया था। देखिए इससे पहले हमने एक कुलिया नामक स्थान के बारे में देखा, ठीक है, ये कुलिया स्थान है कहाँ, तो बालोद जिले में, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के भी मिले, ठीक है, किसके, स्तंभराज के स्वर्ण सिक्के भी मिले हैं, स्तंभराज के। यहीं पर जो कुलिया अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, बालोद के अंदर जो कुलिया अभिलेख है वहां पर यह देखने को मिलता है कि जो वेंगी का चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन का आक्रमण स्तंभराज के ऊपर होता है और स्तंभराज को पराजित कर देता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद में जो नंदराज हैं, ठीक है, इस नंदराज के ऊपर भी इसी वेंगी के जो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन है उसी का आक्रमण होता है, ठीक है, और पराजित करता है, मतलब स्तंभराज और नंदराज दोनों के ऊपर कीर्तिवर्मन ने आक्रमण किया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर दो और चार, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा वेंगी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन ने स्तंभराज और नंदराज ये दोनों को पराजित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आज का 11वां और आखिरी प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है, ये नल वंश से रिलेटेड 11वां प्रश्न है कि राजीव में स्थित राजीव लोचन मंदिर किस शैली में निर्मित है, नागर शैली, पंचायतन शैली, द्रविड़ शैली या फिर वेसर शैली। पहली बात तो हम थोड़ा सा राजीव लोचन मंदिर के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो राजीव का राजीव लोचन मंदिर है इसका निर्माण 7वीं-8वीं सदी के बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 7वीं-8वीं सदी के बीच में हुआ था। और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का एक मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण नलवंशीय शासक विलासतुंग, ठीक है, नलवंशीय शासक विलासतुंग के द्वारा कराया गया था, ठीक है, याद रखिएगा।
और ये जो राजीव लोचन मंदिर है, एक बार क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो राजीव का जो राजीव लोचन मंदिर है इसका जीर्णोद्धार जगत पाल ने कराया था। ठीक है, तो जगत पाल कौन है, तो कलचूरी वंश के एक शासक हुए पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय उसी के सेनापति कौन है, जगत पाल, जिन्होंने राजीव के अंदर स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये सब आपको क्लियर हो क्या होगा उम्मीद है। अब देखिए, अब यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो नलवंशीय शासक विलासतुंग हैं ये वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं या फिर वैष्णव धर्मावलंबी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मंदिर बनवाया राजीव लोचन मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है पंचायतन शैली के अंतर्गत हुआ है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो नलवंशीय शासक विलासतुंग जो हैं, ये जो हैं पांडुवंशीय शासक, मैंने शुरू में बताया था कि जो नलवंश है वो पांडु वंश के भी समकालीन है, तो पांडुवंशीय शासक जो हुए कौन हुए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन उसी के समकालीन ये विलासतुंग भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 11 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जो कि नल वंश के ऊपर, छत्तीसगढ़ के अंदर नल वंश के ऊपर ये पूरा 11 MCQ था। ठीक है, और ये अगर इस 11 MCQ में मैंने जितना भी डिस्कशन किया, जितना भी आपको एक्सप्लेन करके बताया, इतना को अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए छत्तीसगढ़ का जो नल वंश जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, CGPSC ABCD का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जाएंगे तो इस वीडियो का आपको PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी भी जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं हिस्ट्री से संबंधित, बाकी मैं उन सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपके लिए लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, धन्यवाद।